अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नाउंस। ठीक है, और नाउंस में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? जेंडर। जेंडर जेंडर इज अ टर्म यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल नाउंस। ठीक है, जेंडर जो है वो ऐसी टर्म है जो कि मेल और फीमेल के दरमियान डिफरेंस करती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जेंडर। के मेल कौन से हैं, मेल को हम क्या कहते हैं, फीमेल कौन सी होती है, फीमेल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, अ मेल मेंबर इज द मैस्कुलिन जेंडर। अब जो मेल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? मैस्कुलिन। ठीक है, एम से आप याद रखिएगा, मेल जो होते हैं वो कौन होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, अंकल, किंग, हीरो, बुल। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। हमारे पास ह्यूमंस में भी मेल फीमेल होते हैं, एनिमल्स में भी हमारे पास मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो जो मेल होते हैं वो कौन होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, अ फीमेल मेंबर इज द फेमिनिन जेंडर। अब जो फीमेल होगी, ठीक है, वो कौन होगा? फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल, आंट, क्वीन, हीरोइन, काउ। ठीक है, अब फीमेल्स भी जो है वो ह्यूमंस में भी होती हैं और एनिमल्स में भी होती हैं। ठीक है, अब वहां पे मैस्कुलिन में एग्जाम्पल हमारे पास अंकल की थी, तो यहाँ पे क्या हो गया? आंट। ठीक है, जैसे वहां पे किंग था, यहाँ पे क्या हो गया? क्वीन। ठीक है, वहां पे हीरो था, यहाँ पे क्या हो गई? हीरोइन। ठीक है, वहां पे बुल था, यहाँ पे क्या हो गया? काउ। ठीक है, जैसे आप जेंडर आप समझ रहे, जैसे आप मैस्कुलिन फेमिनिन आप समझ रहे कि उर्दू में आप मुजक्कर मोनस पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में हम मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़ते हैं। जैसे मुजक्कर आप उर्दू में कहेंगे तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैस्कुलिन। ठीक है, ऑनस आप उर्दू में कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फेमिनिन। ठीक है, वही चीज है, मुजक्कर मुअन्नस उर्दू में और इंग्लिश में मैस्कुलिन फेमिनिन, राइट? कॉमन जेंडर, अ कॉमन जेंडर नाउन इज यूज फॉर आदर और बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेल भी होती हैं और फीमेल भी होती हैं। ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर, कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जो मेल होता है वो मैस्कुलिन होता है, जो फीमेल होती है वो फेमिनिन होती है। ठीक है, लेकिन कॉमन जेंडर वो होता है जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर। अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों होते हैं ना। पायलट, पायलट जो है वो मेल भी होता है और फीमेल भी होते हैं। सिंगर, सिंगर मेल्स भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। ठीक है, कजन, कजन आपके मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो ऐसी नाउन्स जो के फीमेल भी हो और मेल भी हो, उनको हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल्स में भी, पिक्चर से भी देख सकते हैं कि ये आपका मेल भी है डॉक्टर, फीमेल भी, यहाँ पे भी मेल और फीमेल है। ठीक है, सिंगर भी आपका मेल और फीमेल हो सकता है, और कजन्स भी आपकी मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, न्यूटर जेंडर। अ न्यूटर जेंडर नाउन रेफर्स टू अ मेंबर व्हिच इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है कि ना तो वो मेल होगा ना ही फीमेल होगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है आप समझ रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। लिविंग थिंग्स तो आपके
मैस्कुलिन जेंडर में, फेमिनिन जेंडर में, कॉमन जेंडर में हो गई, ठीक है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं वो किस में आती हैं? न्यूटर जेंडर में। उनके अंदर कोई जान नहीं होती, ना ही वो मेल होती है ना ही वो फीमेल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कार, कार क्या मेल और फीमेल होता है? नहीं ना, नॉन लिविंग थिंग है। शेप ट्री, कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। मैस्कुलिन जो मेल मेंबर होता है, फेमिनिन जो फीमेल होते हैं, ठीक है। कॉमन जो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, ये भी आपको आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ये चार्ट आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जेंडर, जेंडर की टाइप से मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन में क्या आ रहा है? ह्यूमन मेल्स और मेल एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल्स दोनों के मेल्स मैस्कुलिन में जाएंगे, ठीक है। फेमिनिन में क्या जाएगा? ह्यूमन और एनिमल्स के दोनों फीमेल्स, ठीक है। और न्यूट्रल में क्या आता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होंगे न्यूट्रल में? जो के ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, ठीक है। ये चार्ट आप अपनी कॉपी में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे आपको नजर आ रहा है। जो ब्लैक से लिखा है वो ब्लैक से लिखना है, जो बॉर्डर्स हैं, जो लाइंस हैं, जो बॉक्सेस हैं, वो सब आपको ब्लू कलर से बनानी है। कोई और कलर आप लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लिसन इट केयरफुली, कोई और कलर यूज नहीं करेंगे। डार्क ब्लू कलर से आप लोग ये सारे बॉक्सेस और जो लाइंस हैं पूरा चार्ट आप बनाएंगे, और ब्लैक पेन से अंदर लिखेंगे और ब्लू पेन से भी अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स। अब यहाँ पे दो तीन मेथड्स हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से नाउन का जेंडर जो है वो चेंज करते हैं। मतलब मैस्कुलिन को हम फेमिनिन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ मेथड्स हैं, एडिंग द सफिक्स ई डबल एस, ठीक है। पहला क्या है मेथड कि हम ई डबल एस लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि मैस्कुलिन से वो फेमिनिन बन जाए, जैसे कि बैरॉन, लायन, एम्परर, ठीक है। ठीक है, तो मैस्कुलिन में बैरन और फेमिनिन का क्या है? बैरनेस, ठीक है। बैरन कहते हैं आपका सेठ को, उसके फेमिनिन क्या हो गया? सेठानी। लाइन शेर, लाइनेस शेरनी, ठीक है। एम्परर कहते हैं शहनशाह को, हाकिम को, ठीक है। एम्प्रेस जो है वो महारानी, ठीक है। तो ऐसे मैस्कुलिन फेमिनिन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ई डबल एस लगाते हैं हम कुछ वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाय यूजिंग द डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, कि हम डिफरेंट वर्ड्स बना के भी जब मैस्कुलिन फेमिनिन कर सकते हैं, जैसे कि अंकल का आंट हो गया, फादर का मदर हो गया, ठीक है, किंग का क्वीन हो गया, ठीक है, ब्रदर का सिस्टर हो गया, ठीक है। तो हम डिफरेंट वर्ड्स यूज करके भी हम मैस्कुलिन फेमिनिन बना सकते हैं। थर्ड है बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ अ कंपाउंड नाउन। अब क्या है कंपाउंड नाउन्स? आपको पता है कि जब दो नाउन्स को मिलाया जाता है और एक नाउन बनाया जाता है, एक नया वर्ड बनाया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं कि दो नाउन्स को मिला के जब एक नया नाउन बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। यहाँ पे देखें ग्रैंडफादर, ठीक है, और पीकॉक, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स को मिला के हमने एक नया वर्ड बना दिया, ग्रैंडफादर, ठीक है। ग्रैंड प्लस फादर इज इक्वल टू ग्रैंडफादर, ठीक है। तो मैस्कुलिन में ग्रैंडफादर है, फेमिनिन में क्या होगा? ग्रैंड मदर। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है वो लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, पीकॉक का पीएन, ठीक है। तो एक पार्ट जो है वो ऐसे ही रहता है, दूसरा पार्ट जो है वो हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे तीन मेथड्स बताए थे, एक तो ये कि ई डबल एस लगा देते हैं हम वर्ड्स के साथ, दूसरा ये कि हम एक डिफरेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, तीसरा है कि जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, ठीक है, उनका एक पार्ट जो है वो हम चेंज कर देते हैं। अब ये जो है आपकी एक्सरसाइज है, ये वाला काम आपको अपनी कॉपी में करना है, ये वाला काम आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन उतारेंगे आप ब्लैक से, राइट द फेमिनिन ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलिन, ठीक है।
आपके पास मैस्कुलिन गिवन होंगे और आपको फेमिनिन इसके लिखने हैं, ठीक है। ब्लू कलर से आप पूरा कॉलम बनाएंगे, ब्लैक से आप मैस्कुलिन लिखेंगे, ब्लू से आप फेमिनिन लिखेंगे, ठीक है। बॉय गर्ल, फादर मदर, अंकल आंट, किंग क्वीन, बुल काउ, एक्टर एक्ट्रेस, ऑथर ऑथरेस, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, ब्रदर सिस्टर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। यहाँ पे देखें कंपाउंड नाउन है, तो मैंने कहा था कि एक पार्ट हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फादर का क्या हो गया? मदर, ठीक है। ठीक है, कैट का था क्वीन और टॉम, चिकन का था हैन कॉक, डोंकी का था डो और बर्ड, फॉक्स का है विक्सन और डॉग, गोट का है नैनी और बिल्ली, ठीक है, और गूज का था पहले वाली स्लाइड में गूज और गेंडर, ठीक है, और हॉर्स का ही पहले था मेयर और स्टेलियन, ठीक है। तो ये अगर मैं स्लाइड पीछे करूंगी तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगी, जैसे अभी मैंने स्लाइड पीछे करी थी आपको शो करने के लिए, तो वो गुजादी पीछे चली गई थी, ठीक है, तो इस वजह से। लेकिन आपको ये काम अपनी बुक्स में ही करना है और कलरिंग करके ही मैच करना, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, आपका लेक्चर प्लस कॉपी वर्क है, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, ठीक है। दो एक्सरसाइज में, एक आपको कॉपी में करनी है पहली वाली, दूसरी ये वाली आपको मैचिंग वाली आपको आपकी बुक में ही करनी है।